प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा मुख्यमंत्री गहलोत आज समीक्षा करेंगे। दोपहर 12 बजे से वीसी के माध्यम से ये बैठक होगी। महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों के साथ ये बैठक कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर ये बैठक होनी है। और सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, आज मुख्यमंत्री जो है बैठक लेंगे, समीक्षा करेंगे, दोपहर 12 बजे ये वीसी के माध्यम से होगी, क्या कुछ महत्वपूर्ण इसमें रहने वाला है? देखिए, कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग की बैठक ली थी, प्रदेश के आम सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर समीक्षा की थी। उसी क्रम में आज जो है एक और बैठक हो रही है, 12 बजे से वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें तमाम जो रेंज के IG है वो मौजूद रहेंगे और सभी SP जो है सभी जिलों के वो बैठक मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक होगी, प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर समीक्षा की जाएगी। खासकर पिछले 6 महीने में प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को लेकर जो बड़े मुद्दे रहे हैं उनको लेकर समीक्षा की जाएगी और उन जिलों पर मुख्यमंत्री का विशेष फोकस रहेगा, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विधानसभा में भी जो है सरकार निशाने पर रही है या वहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो उन जिलों को लेकर फोकस रहेगा। देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले की अगर बात करें तो हालांकि विपक्ष ने लगातार सरकार सामने किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रात विधानसभा आंकड़े जारी करके बताया था कि जिस तरह सरकार है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, अपराधों को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। FIR जो दर्ज करने अनिवार्य करने के कारण भले ही जो FIR रजिस्ट्रेशन की संख्या में वृद्धि हो, लेकिन मुख्यमंत्री का मानना है कि अधिक अपराधों की संख्या बढ़ी है। और ये बिल्कुल, तो ये बैठक होगी, बैठक में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो आज होने वाली हैं। तो ये मुख्यमंत्री गहलोत जो आज समीक्षा करने वाले हैं, दो एजेंटों पर चर्चा भी होगी, पिछले 6 माह में गठित अपराधों पर मुख्य रूप से चर्चा होनी है।